बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पेश समाचार विस्तार से। मॉरिशस के फैटएफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाने के बाद प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि देश बहुत जल्द यूरोपीय संघ की ब्लैक लिस्ट से भी बाहर निकल जाएगा। प्रवीण जगनाथ आज सुबह एबेन में अफ्रीनेक्स एक्सचेंज की लॉन्चिंग समारोह में बोल रहे थे। अफ्रीनेक्स एक पन अफ्रीकन शेयर बाजार है। अन्य देशों के साथ साथ मॉरिशस में भी इसकी शाखा है। मॉरिशस की सरकार और फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन इसका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय सरकार का शुक्रिया अदा किया जिसने इस परियोजना को साकार रूप देने में अहम भूमिका निभाई है। प्रवीण जगनाथ ने आगे बताया कि अफ्रीनेक्स एक्सचेंज मॉरिशस के अधिकार क्षेत्र को एक ज्यादा ठोस और आकर्षित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में बदलने में सक्षम होगा। डिजिटल गॉन्ग की ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री ने अफ्रीनेक्स एक्सचेंज की औपचारिक लॉन्चिंग की। पैन अफ्रीकन स्टॉक एक्सचेंज इसकी वैश्विक पहुंच है और मॉरिशस में होने के चलते इसकी स्थानीय मौजूदगी। प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ ने कहा कि मॉरिशस का रिकॉर्ड समय में फतह की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद उन्हें विश्वास है कि बहुत जल्द हमारा देश यूरोपीय संघ के ब्लैक लिस्ट से निकल जाएगा। फतह के फैसले से हमारा विश्वास बढ़ जाता है कि हम निरंतर रूप से अपने वित्तीय ज्यूरिसडिक्शन के लिए मोहलत और अहमियत को मजबूत करने तथा इसका संरक्षण करने के लिए सब कुछ करेंगे। इस बड़ी उपलब्धि के चलते हम आश्वस्त हैं कि मॉरिशस बहुत जल्द यूरोपीय संघ की ब्लैकलिस्ट से निकल जाएगा। अतः एक बहुत ही फील गुड फैक्टर के अनुकूल माहौल में मॉरिशस में न्यू सिक्योरिटीज एक्सचेंज की लॉन्चिंग कर रहे हैं। हमारे देश में एक पैन अफ्रीकन सिक्योरिटीज एक्सचेंज कायम करने की बात हमारे अधिकार क्षेत्र को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र को और आकर्षित बनाने के मेरे विजन के साथ मेल खाता है। Espouses my vision to consolidate the attractiveness of our jurisdiction as a leading international financial center of substance. भारतीय सरकार की मदद से ये परियोजना साकार की गई है। प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ ने कहा कि ये एक अहम घड़ी पर आई है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में गति आएगी। With the blessings of the government of India, particularly the Prime Minister Shri Narendra Modi. भारतीय सरकार खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मदद से बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को मॉरिशस भारत की इस पहल का समर्थन करने के लिए एक निजी पार्टनर की तरह आमंत्रित किया गया। हम भारतीय सरकार का हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे जिसने इस नई संभावना को हकीकत बनाया है और इससे मॉरिशस भारत के बीच सहयोग एक नए अहम चरण पर पहुंच गया है। एक अहम घड़ी पर यह लॉन्चिंग की जा रही है, न केवल मॉरिशस में कैपिटल मार्केट सेक्टर के लिए बल्कि पूरी इकोनॉमी एवं ज्यूरिसडिक्शन के लिए। हमारे सोचने के ढंग में बदलाव लाना चाहिए। अगर हमें अपनी पूर्ण आर्थिक क्षमता को समझना है तो हमें अपनी पूर्ण आर्थिक क्षमता को समझना है तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर सेविंग्स बढ़ानी होगी, कैपिटल पूंजी जुटानी होगी और उन वित्तीय संसाधनों को चैनल करना है जिससे कि नौकरियां और आय पैदा करने तथा विदेशी आदान प्रदान में सहायता मिलेगी। इस प्रक्रिया में एक नया सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हमारे वित्तीय सेक्टर की छवि को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। Will therefore continue its policy. अतः सरकार इस साल वित्तीय सेवा सेक्टर को अतिरिक्त मजबूत करने, विस्तृत करने और इसे डाइवर्सिफाई करने के लिए अपनी नीति बरकरार रखेगी। इससे मॉरिशस को पूंजी बढ़ाने के लिए एक आकर्षित अधिकार क्षेत्र बनाने के वास्ते और ऊपर उठाया जाएगा। हमारी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए भी जरूरी है। संबंधित कानूनों में अहम सुधार लाए गए हैं। हम अपने जिरिस्डिक्शन की छवि को बनाए रखने के लिए कभी भी काम रोकेंगे नहीं। ऐसा जुरिस्ट्रिक्शन चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम आचरणों के अनुकूल हो और कानून तथा ऑपरेटर्स अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों के पूरी तरह अनुरूप हो। जहां तक कैपिटल मार्केट के विश्वास की बात है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सिक्योरिटीज कमीशन उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कायम अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम आचरणों का सख्ती के साथ पालन हो। Are strictly followed. Let me conclude by making an appeal to all operators in the financial industry.
अंत में वित्तीय उद्योग स्थानीय एवं विदेशी बैंक एवं नॉन बैंक वित्तीय कंपनियों से प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने नवाचार लाने की मांग करेंगे। एक साथ मिलकर ज्यादा मजबूत राष्ट्र की तरह उभरेंगे। भविष्य का विश्वासपूर्वक स्वागत करेंगे। स्ट्रॉन्गर टुगेदर कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस द फ्यूचर। भारत के एक्सिम बैंक के बॉन्ड को पहले आफ्रिनेक्स एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया गया। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षा बंगारी की मौजूदगी में एक वर्चुअल समारोह चला। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू बी वर्चुअली प्रेजेंट एट द लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ आफ्रिनेक्स। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को ट्रॉफी भी प्रदान की गई। और आफ्रिनेक्स एक्सचेंज की लॉन्चिंग समारोह में कई महानुभावों ने भाग लिया। इनमें मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला सहित आफ्रिनेक्स एक्सचेंज की निदेशिका संदीप वर्मा शामिल रही। माधवी जागवनाथ, करुणा लालू। आफ्रिनेक्स एक्सचेंज की लॉन्चिंग के समय भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला ने इस प्रोजेक्ट को साकार करने में प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे मॉरिशस और भारत का संबंध और भी प्रगाढ़ होगा। I look forward to Afrinext joining the long list of successful India-Mauritius bilateral projects, paving the way towards our shared vision for Mauritius, for India and for Africa, and to adding further depth and substance to the rich relationship that Mauritius and India enjoy. We all know that this was only possible because of the strong and focused leadership of the Prime Minister, Shri Pravin Jagnnath. Afrinex Exchange ki nideshika Baroness Sandeep Verma ne yeh aashwasan diya ki se Pan African Stock Exchange Company se Mauritian vittiya sector ke vikas mein bhari yogdan hoga. We will, of course, have to evolve, and we will strive continually to innovate. Offer world-class infrastructure and services to incentivize market participants to partner with us. Afrinex Exchange को मॉरिशस सरकार और Financial Services Commission का समर्थन प्राप्त है, जिससे कि मॉरिशस को विश्व के एक नामी वित्तीय केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके। और संदीप वर्मा की अध्यक्षता वाले आफ्रिनेक्स के डेलीगेशन ने आज पोर्टवी में प्रधानमंत्री के साथ रस्मी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आफ्रिनेक्स एक्सचेंज को मॉरिशस में कायम करने के संघर्ष पर चर्चा की गई। दोनों ने इस बात पर विश्वास जताया कि इस वित्तीय सहयोग से दोनों देशों को फायदा होगा।